रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हमने बनाई थी, मैंने बनाया था जो है हड्डी गुड्डी निहारी। तो ये बहुत टेस्टी बना था, यकीन मानिए आपको क्या बताएं, सबको बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी। यानी जो नली हम लोग पाया बनाते हैं निहारी, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी बनाइएगा, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे किचन में आइए, हम कैसे बना रहे हैं इसको। बिल्कुल मैं एक साथ में सारी चीज़ें डालूंगी और बनाऊंगी, कोई चीज़ नहीं मैं बाहर लगाऊंगी। आप चाहिए तो ऊपर से बाद में लास्ट में एक आधी प्याज और थोड़े से खड़े मसाला डाल के आप इसको जो है बाहर लगा सकते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने इसमें गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाला है, पर उसको मैं नहीं दिखा पाई हूँ, तो फिर आप लोग लास्ट में डाल लीजिएगा। तो आ जाइए किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हड्डी गुड्डी। तो ये बहुत टेस्टी बनता है हड्डी गुड्डी, ये मटन का है, बकरे का, और आप बीफ का भी बना सकते हैं। आप यहाँ खाते हैं तो हमारे यहाँ नहीं खाते कोई, तो ये बकरे का है। तो चलिए अब इसमें हम जो है इनको साफ कर लिया है, ये 2 किलो है, और यहाँ पे 4 बड़े साइज की प्याज लेकर इस तरह से हमने कट कर लिया है। इन सबको साथ में डालूंगी, और यहाँ पे 4 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन लिया है, उसको भी डाल दूंगी पीस के, पिसा हुआ है मैंने ताज़ा पीस के डाला। आप कभी भी गोश्त मटन मछली कुछ भी बनाए तो बिल्कुल ताज़ा पीस के डालेंगे ना, उसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमने मसाले कुछ, तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हमने मिर्ची ली, मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ बच्चों को ध्यान रख के पकाइएगा। और 1 चम्मच हल्दी लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, 2 तेज़पत्ते लिए, 2 लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़ी इलायची है, और 7-8 जो है लौंग है, 1 स्टार है, 8 जो है हमने छोटी इलायची लिया है, ये हमने 1 टी स्पून हमने लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, इसका कलर अच्छा आता है, और 1 टी स्पून हमने जीरा पाउडर लिया, 1/2 टी स्पून हमने लिया काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को उसमें डाल दूंगी, और इसी के साथ डाल दूंगी 1/2 कप तेल, और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। और जो है 1/2 कप मैंने तेल बोला था ना डालने के लिए, राई का तेल है, इसमें बहुत अच्छा जो है बनता है, तो आप ज़रूर राई के तेल में ही बनाइए, और बाकी जो भी आप तेल खाते हैं खाइए, लेकिन जो है राई का तेल बहुत परफेक्ट है। तो चलिए इसमें डाल देती हूँ 2 कप पानी, और इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें लगाऊंगी मैं 5 से 6 सीटी, अच्छे से गलना और पकना चाहिए, तो बहुत अच्छा इसका रोगन बनता है। तो 4 से 5 सीटी लगाऊंगी, 5 सीटी लगा लिया और ये अच्छे से हो गया। अब इसको जो है हम भुनाई कर लेंगे, 5-6 मिनट भूनेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 6-7 मिनट गोश्त को हमने भून लिया, तेल बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे गर्म पानी 2 कप, आप ग्रेवी अपने हिसाब से पतला गाढ़ा कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा इसका पतला सालन रखूँगी, इसका पतला सालन ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस वक्त आप नमक चेक कर लीजिए, यहाँ पे मैंने नमक चेक किया है, तो यहाँ पे देखिए नमक कम है, मैंने थोड़ा सा चेक किया, तो 1/2 चम्मच मैं डाली हूँ छोटी चम्मच से, 1/2 चम्मच चाय वाले चम्मच से, और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 हरी मिर्ची, और गोश्त बिल्कुल गल चुका है, आप देख सकती हैं, ये देखिए आपको दिखा देती हूँ टच करके, लेकिन थोड़ी ऐसे दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए मैं सो रहा है ना, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची बीस से काट के 2 करके डाल दिया है, और 1/2 नींबू का रस डालूंगी इसमें, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो 1/2 नींबू हमने निचोड़ दिया है। और 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि सालन अच्छे से पक जाए। और हरी धनिया डाल देती हूँ काट के, देखिए यहाँ पे हरी धनिया डाल दी मैंने बारीक काट के, और नमक परफेक्ट है, अब मैंने जो चेक किया है। तो सालन मैंने इतना गाढ़ा रखा है, आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो 1/2 गिलास और डाल दीजिएगा, और इससे गाढ़ा चाहिए, लेकिन हड्डी गुड्डी का सालन पतला अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए गैस को बंद कर दिया, और इसको इसे 5-6 मिनट ऐसे छोड़ दूंगी, उसके बाद खोलूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी हड्डी गुड्डी बनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। यहाँ पे हमने नींबू काट के रख दिया है, आप यहाँ पे प्याज नींबू सब रख, जो भी आपको खाना पसंद हो तो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जूलियन कटी हुई अदरक डाल दिया और नींबू रख लिया, तो ये बहुत टेस्टी बना, यकीन मानिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हड्डी गुड्डी 1-2 नलियाँ भी ज़रूर उसमें डालिएगा, तो बहुत यम्मी और टेस्टी आपका
हड्डी गुड्डी निहारी बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी निहारी बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही बहुत टेस्टी बना है। चलिए अभी होती है मेरी वीडियो खलास, मेरी वीडियो को लास्ट तक प्लीज़ देखा करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें। ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज़।